बहराइच जिले के तहसील मोतीपुर अंतर्गत करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशान गाड़ा में रेंज के अंतर्गत आने वाले लोहरा गांव में कल देर शाम तेंदुए ने हमला कर 8 वर्षीय बालिका किरण पुत्री अनिल कुमार को घायल कर दिया था। बालिका का इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में चल रहा है। इस दौरान घटनास्थल पर शनिवार सुबह प्रभागीय आकाशदीप भदावन पहुंचे। इस दौरान DFO आकाशदीप ने बताया कि तेंदुए के हमले से बचाव हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। इसके साथ साथ घटनास्थल के पास में एक पिंजरा भी लगाया गया है जिससे तेंदुए को पकड़ा जा सके, जिसकी मॉनिटरिंग वन विभाग की टीम 24 घंटे तक करेगी। घायल बालिका को वन विभाग की तरफ से 5,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। तो हुआ चिल्लाए लग तभी यहाँ से हटाते कर हम वो घर में चिल्लाने लगे, तभी इसे उठा लेके गई बचावा का बाग यहीं से बड़ी जोर से छलांग मारी खड़खड़ाने बड़ी जोर से। उस टाइम पे जब छलांग मारा था तेंदुआ ने तो किसने देखा था? इसने मतलब जी तत्काल अभी मौके पे ही मैं टीम के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पे एक तेंदुए द्वारा ये बच्ची को घायल किया गया था। मौके पे कल शाम की जब घटना थी तो स्टाफ संबंधित पहुंच के बच्ची को जिला अस्पताल बहराइच पहुंचाया गया, प्राथमिक उपचार कराया गया है। वहाँ पे विभाग द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दे दी गई है और आगे की भी जो भी सहायता है वो भी दी जाएगी नियमानुसार। तत्काल प्रभाव से हमने मौके पे पिंजरा लगा दिया हुआ है और पिंजरी लगाने को जानवर को पकड़ने के ऊपर रिक्वेस्ट लेटर हमने उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है और गांव वालों को विशेष रूप से अभी थोड़ा जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं इनको सतर्क रहने की जो उपाय हैं वो कुछ बता दिए गए हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।